हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर मार्केट इंडिया यूट्यूब चैनल। के लिए अंकित सोनीपत से मौजूद हैं। अंकित जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। सर नमस्कार। सर मेरे पास विप्रो है सर, 300 शेयर 710 पे। कितना समय आप दे सकते हैं विप्रो को? सर ये मैंने अभी क्वार्टर के रिजल्ट के लिए लिया था, बस अभी 10-15 दिन पहले। ओके ओके गौरव, इनका सवाल जो है वो है विप्रो को लेकर। इन्होंने खरीदारी की है करीब 700 रुपये के दाम पर और रफली 300 शेयर इनके पास हैं। क्या करना चाहिए? 692 693 का स्तर है, आज अर्निंग्स भी हैं और एक बड़ी तेजी ऑलरेडी आईटी दिखा भी चुका है, तो क्या करें? कहाँ स्टॉप लॉस रखें, कहाँ टारगेट्स देखें? देखिए यहाँ पे अगर मैं डेली चार्ट से देखता हूँ तो यहाँ पे 740 730 का एक काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है। आप इसको डबल टॉप फॉर्मेशन सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं। कंफर्मेशन अभी तक आया नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो दो प्रीवियस जो मारा था वो 725 से 735 का मारा था, इस बार भी हाई वहीं से घूम गया है। इनके लिए जो मैं स्टॉप लॉस दूंगा वो है 680 का। इसके नीचे अगर आता है तो आप एक बार एग्जिट कर लीजिए। इतना जल्दी लेवल टूटना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 600 से करीब आ रहा है, तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। रही बात कहाँ पर स्टॉक जा सकता है, तो एक बार स्टॉक जो है 725-30 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो वहां से आपको और 800 रुपये तक के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल चीज आप बने रह सकते हैं। नतीजों पर मैं टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा किस तरह से आते हैं, किस तरह से रिएक्शन होता है, लेकिन चार्ट की अगर बात की जाए तो 680 ऐसा सपोर्ट है, 730 की क्लोजिंग के ऊपर काफी अच्छा बेहतरीन ब्रेकआउट आपको देखने मिल सकता है। देखिए 680 को आप बतौर स्टॉप लॉस मान के चलिए अंकित जी, नंबर आए जैसे भी करीब करीब 3% के आसपास के डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ की बातचीत है, अगर उससे बेटर साइड पर आता है तो आप उस पर कॉल ले सकते हैं। 730 के बाद तेजी आ सकती है। चलिए ये तो अंकित जी के सवाल की बातचीत थी, लेकिन एक और अहम इवेंट आज की थीम है आईटी। आज एक बहुत सब्सटेंशियल मूव के बाद बैंक थोड़ा सा रेस्ट मोड में है और फिर कहूंगा थोड़ा सा रिस्क रिड्यूस करिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। आगे बढ़ते हैं कॉल्स को, हम समझ रहे हैं असित जी ने इंफोसिस पे फोकस किया है। अब बात करते हैं राजेश सतपुते जी से। राजेश जी बताइए आपका फोकस क्या रहेगा, एग्जैक्टली क्या ट्रेड पिक किया आपने? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए मेरा जो फोकस है वो भी आईटी पे है और मुझे लगता है यहाँ पे एक रिस्क टू रिवॉर्ड जो है, जो कम्फर्ट है, अगर मुझे कुछ लेके जाना है घर पे तो मुझे पता है कि मैं लोअर साइड पे खड़ा हूँ और डाउन साइड मेरी लिमिटेड है, तो मैं विप्रो लेकर जाऊंगा। विप्रो देखिए 555-556 चल रहा है यहाँ पे, एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास सपोर्ट भी बनता है। 550 के ऊपर मैं बायस जो रखूंगा, इसका बायस पॉजिटिव रखूंगा, 540 का स्टॉप लॉस। और जो टारगेट मुझे विप्रो में दिखता है वो करीबन 580 से लेके 600 का रहेगा। सो यहाँ पे एक रिलीफ रैली मुझे लगता है क्या विप्रो में ड्यू है, देखते आ जाती है क्लोजिंग के पहले या नहीं। अच्छा डिस्क्लोजर ये है कि ये क्लाइंट्स के साथ हमने इस कॉल को शेयर किया है, लेकिन मेरे यहाँ पे पर्सनल पोजीशन कोई नहीं है।